दोस्तों, आज का शानदार शो, शानदार ड्रामा जो आप लोग हमारे इस रंगीन पर्दे पर जेडी म्यूजिक कंपनी के माध्यम से आप लोग देखने जा रहे हैं, ये शानदार ड्रामा, शानदार शो आप लोगों को हम जेडी म्यूजिक कंपनी दिल्ली के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। जो शानदार शो आप लोग देखेंगे, इस खेल का नाम, जो आप लोगों के बीच ये शानदार ड्रामा पेश किया जाएगा, मार धार एक्टिंग से भरपूर सामाजिक एवं ऐतिहासिक खेल, नाच गाने से भरपूर जो खेल आप लोग देखेंगे, जिसको पेश कर रहे हैं हमारे मालिक ठाकुर कृष्ण भान सिंह, पूरे मेठियन, बिंदागंज पोस्ट, हरपुर हल्ला, परगनावा तहसील सलोल, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली से आप लोगों के बीच ये शानदार ड्रामा जो हम पेश करने जा रहे हैं, जिस खेल का नाम है बगावत की जंग। बगावत की जंग, आखिरी फैसला, उर्फ डाकू, रूपा एंड राणा। खेल का नाम बगावत की जंग, बगावत की जंग, आखिरी फैसला, उर्फ डाकू, रूपा एंड राणा। ब्लो छाउसर बाबा की जय, ब्लो बजरंग के बलि की जय। दोस्तों, ये शानदार शो, शानदार ड्रामा जो आप लोग जेडी म्यूजिक कंपनी दिल्ली के माध्यम से आप लोगों के बीच दिखाया जा रहा, ये जो रात दरबार आप लोग देख रहे हैं, ये शाही रात दरबार सोनागढ़ का है। राज्य सोनागढ़ के सम्राट सूरसेन सिंह अपने समस्त कर्मचारियों के साथ अपने सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं, और सम्राट सूरसेन सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनकी प्रजा के रखवाले, उनके महामंत्री रणजीत सिंह बैठे नजर आ रहे हैं, और सम्राट के बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक, उनके वफादार सेनापत दिग्विजय सिंह अपने उचित स्थान पे बैठे नजर आ रहे हैं। रात दरबार की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबादी पेश करने जा रही हैं। जो खेल आप लोग देख रहे हैं, ये शानदार ड्रामा, ठाकुर कृष्णभान सिंह पेश करते हैं संगीत सितारे हिंद, बगावत की जंग। बगावत की जंग, आखिरी फैसला, उर्फ डाकू, रूपा एंड राणा। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। सब मिलेगा ये बलिहार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार, सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताजी सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताजी सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताजी सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये
ताज खुशी की मुबारक बात हरियाला को ये दरबार ताज खुशी की मुबारक बात हरियाला वो ये दरबार ताज खुशी की मुबारक बात हरियाला हो ये दरबार खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये दरबार क्या प्यारा गे ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिदान क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिले गाए बलिदान क्या बार हम सब मिलेगा ये बाली महाराज जय महाराज की जय महाराज जय महामंत्री रणजीत सिंह अपने दरबारियों को आदेश दो किन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशरफियां और एक एक शाही देकर इन्हें शिरा दरबार से इनके वतन के लिए बाइज्जत रुख्सत कर दिया जाए। जी महाराज, द्वारपाल जी, महाराज का आदेश है राज दरबार में उपस्थित समस्त कंचनियों को महाराज के शाही खजाने से दो दो अशरफियां व एक एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से बाइज्जत रुख्सत किया जाए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज को आदाब करते हुए चलिए शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुख्सत हो जाइए। महामंत्री रणजीत सिंह जी महाराज, आज इस भरे राज दरबार हमारे सबसे सोनागढ़ रियासत की प्रजा के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। महाराज क्या जानना चाहते हैं राजन, आदेश फरमाइए महाराज। महामंत्री जी, उन रैयत के क्या हाल है बतलावो तत्काल, रैयत के क्या हाल है बतलावो तत्काल, प्रजा मेरी खुशहाल है और या है कोई मला महामंत्री रणजीत सिंह, हम आपसे और भी कुछ जानना चाहते हैं। तमेरे मंत्री जी बतलाओ और राजा दिहा मेरे मंत्री,
तो है नहीं, उस पे जुल्मो सितमे तो नहीं ढा रहे। बात सच सच बताओ, छिपाओ नहीं। महामंत्री रणजीत सिंह जी, राजन हम जानना चाहते हैं कि हमारी सोनागढ़ रियासत की प्रजा किस हाल में है, हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है? सुनिए महाराज, आपके राज्य सोनागढ़ के शुभ समाचार कैसे हैं महाराज? तो समाचार सब ठीक है मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार, हर प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। महाराज, आपकी प्रजा आपकी जय जयकार के नारे लगा रही है। और महाराज तो फिक्र करिए न राजन, और किसी तौर से फिक्र करिए। राजन किसी तौर से प्रजा की रक्षा करना मेरा काम है, मेरे रहते हुए कोई ढाए सितम काट डालू मैं उसको सरेआम है। महाराज, आपके इस वफादार महामंत्री रणजीत सिंह के रहते हुए अगर कोई भी शख्स आपकी प्रजा पर जुल्म और सितम ढाता है तो उसी किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। महाराज, महामंत्री रणजीत सिंह जी, राजन हमें विश्वास है कि आपके होते हुए और आपके इस राज्य में हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो पाएगा जी महाराज। क्योंकि जब तक हमारा शासन काल है, हमारे शासन काल में हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कहते हैं बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। प्रजा जब की राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। जिस देश की प्रजा दुखी होती है उस देश का राजा दुखी होता है, जिस देश की प्रजा सुखी होती है उस देश का राजा सुखी होता है। हमारी प्रजा चैनो अमन से रहे, हम यही चाहते हैं जी महाराज। राजन, रवि के किरणों के जैसी जगमगाती ये आपकी राजधानी है, और सिंह बकरी पिया करते यहां एक घाट पर, चोरी बटमारी दगाबाजी फरेबो फंद का जिक्र है इस राज में बिल्कुल नहीं। दुख दंड का नहीं है इंद्र की शोभा, नहीं है इंद्र की शोभा इस राज दरबार के आगे, नहीं है स्वर्ग की शक्ति मेरे सरकार। बहुत खूब महामंत्री रणजीत सिंह, हमें आपसे यही उम्मीद है, आप स्थान ग्रहण कीजिए। जी महाराज। सेनानायक दिग्विजय सिंह, हम आपसे आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। हुजूर, आप क्या जानना चाहते हैं, आप भरे दरबार उसे फरमाइए महाराज। सेनापति जी, तो सेनापति मेरी सेना कैसे रे बबल, सेनापति मेरी सेना सेनापति सीमा सरहद का कैसा समाचार है, सेना को कोई तकलीफ तो है नहीं, जानने को मेरा दिल ये बेजार है। सेना
सेनानायक दिग्विजय सिंह, हम आपसे जानना चाहते कि इस वक्त आपकी सेना कहाँ पे तैनात है, आपकी सेना के क्या समाचार हैं? अवश्य बतलाएंगे हुजूर। आप सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं सेना का समाचार आपके समक्ष भरे दरबार जाहिर कर रहा हूं। आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए महाराज जी, आपकी सारी सेना वफादार है। मुल्क वासी सरहद और सुरक्षित सभी सर पे बांधे कफन रहती तैयार है। हुजूर, हमारी सेना इस वक्त सोनागढ़ के बॉर्डर पे तैनात है। दुश्मनों के जो शक्त मोर्चे लगे थे, आपके जवानों ने उन्हें परास्त कर सीमा सरहद पर आपके नाम का शाही तिरंगा लहरा दिया। बहुत खूब मेरे वफादार एंड बहादुर सेनापति दिग्विजय सिंह, हमें आपसे यही उम्मीद है और विश्वास करते हैं कि आपके होते हुए, आपकी सेना के होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं तो सोनागढ़ बॉर्डर पार करके इस राज्य पे चढ़ाई कर सके। महाराज, जब तक आपके सोनागढ़ में ये आपका वफादार सेनानायक दिग्विजय सिंह मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता। अगर किसी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश किया तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर उसका नाम निशान खत्म करेंगे। हमें विश्वास है आप पर और आपकी सेना पर, सेनापति दिग्विजय सिंह और महामंत्री रणजीत सिंह। इस भरे राज दरबार आज हम आप लोगों से अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं महाराज? हुजूर, क्या आपके दिल के अंदर है जो कुछ आज भरे दरबार आप कहना चाहते हैं उसे हम लोगों के समक्ष आप जाहिर कीजिए। हुजूर, सेनानायक दिग्विजय सिंह, आप लच्छी दे जानते हैं कि हमारा चौथापन आ गया है। भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दिया है और ना ही कोई पुत्र है ना ही कोई पुत्री है। हमारे ना रहने के बाद इस रियासत का वारिस कौन होगा, इसी चिंता में हम हमेशा परेशान रहते थे। महाराज, वाकई में हुजूर, उस परम पिता ईश्वर ने आपको कोई संतान नहीं दिया, ना पुत्र और ना ही पुत्री। जिस वियोग में आप दोनों प्राणी हर वक्त चिंतित रहते हैं। महाराज, सेनापति जी और महामंत्री जी, जी महाराज, आज हमारे मन में एक विचार आया है जो आज आप लोग समझ उसे कहना चाहता हूँ। महाराज, कैसा विचार है आप भरे दरबार हम लोगों के समक्ष जाहिर करें। सेनापति जी, विधाता ने जो तकदीर में लिख दिया उसे मिटने वाला कोई नहीं है। आप हमारे इस राज्य के सेना के अफसर हैं, वफादार हैं, बहादुर हैं। आप पर हमें बहुत बड़ा विश्वास है और महामंत्री दिग्विजय सिंह हमारी प्रजा के रखवाले हैं। इनके होते हुए हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए सेनापति जी, आज हमने विचार किया हूं कि आपके बेटे शिवा को इस राज्य का उत्तराधिकारी और महामंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे सागर को सेना का सेनानायक नियुक्त करता हूं। महाराज, ये आप भरे दरबार क्या करें कि महामंत्री रणजीत सिंह के बेटे सागर सिंह को आप इस राज्य का सेनानायक नियुक्त कर रहे हैं और हुजूर, आप मेरे बेटे शिवा को इस सोनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। जी हाँ सेनापति जी। जी महाराज। सेनापति जी, इस वक्त आप यहां से पहले अपने बंगले पे जाइए और ये शुभ समाचार आप अपनी धर्मपत्नी को बताइए और उसे कह देना कि कल दिन में 10 बजे अपने पुत्र को लेकर के रात दरबार में आ जाएं और आप कल 10 बजे अपने बॉर्डर सीधा रात दरबार आ जाना। सारी प्रजा के सामने मैं इस बात का ऐलान करूंगा कि कल को जब बच्चे बड़े होंगे तो सेनापति का बेटा शिवा राज का उत्तराधिकारी होगा, महामंत्री दिग्विजय सिंह का बेटा सागर
राजीव सिंह का बेटा सागर सेना का अफसर होगा और सेनापति जी और महामंत्री जी यही हमारा आखिरी फैसला है और इसमें तुम दोनों को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। महाराज आपके दिल में जो फैसला था वो भरे दरबार आपने सुनाया, जो बात आपके दिल में थी सबके समक्ष जाहिर किया, इस फैसले से हम लोग सहमत हैं। महाराज आपके आदेशानुसार मैं इसी वक्त अपने बंगले पर जा रहा हूं और अपनी पत्नी नीलम से बोल देंगे कि अपने बेटे शिवा को लेकर भरे दरबार ठीक 10 बजे आएगी और हुजूर आप भरे दरबार फैसला सुनाएंगे। इसी वक्त में अपने बंगले पर जा रहा हूं हुजूर। सेनापति शादी पिता के सामने कल इस बात का मैं ऐलान करूंगा। जी महाराज। अब आप इसी वक्त अपने बंगले पर जाइए, वहां ये समाचार दे करके आप सीधे अपने बॉर्डर पर चले जाना। ठीक है महाराज, मैं ये शुभ समाचार बताने के बाद बंगले से सीधे बॉर्डर पर चला जाऊंगा और सुबह होते ही मैं बॉर्डर से सीधे राज दरबार में आ जाऊंगा। अच्छा हुजूर हमें इजाजत चाहिए। इजाजत सेनापति दिग्विजय सिंह। जैसी आज्ञा हुजूर। यश हो आपका। महामंत्री रणजीत सिंह जी राजन, सेना नायक दिग्विजय सिंह अपने बंगले पर गए, वहां सीधा अपने बॉर्डर पर चले जाएंगे और आप अपने आवाम की ओर जाकर के देखिए कि हमें सोनागर की रियासत में हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं। ठीक है महाराज, आपके आदेशानुसार इसी वक्त आपके राज सोनागर में प्रजा के बीच जाता हूं महाराज। बिहारी लाल, मैं इस राज दरबार से राजमहल चल रहा हूं। आज का राज दरबार ही समाप्त किया जाता है और कल 10 बजे यह राज दरबार फिर लगेगा और सारी प्रजा के सामने इस बात का मैं ऐलान करूंगा।